सो हेलो गाइस, एक्सप्लोर राइडर हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज जो है मेरे पास थार है, थार का टॉप मॉडल डीजल, एंड दिस इज़ द की। सो ये एंड इधर आपको मिलेगा लॉक एंड अनलॉक, एंड ये फॉलो मी हेडलैम्प का एक्चुअली जो बटन है वो देखिए। सो ये आप देख लो गाड़ी एक बार पूरा, मैं एक बार गाड़ी का ओवरऑल लुक देखा देता हूँ। हालांकि दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगा 18 इंच का, मतलब मतलब पांचों की पांचों येलो ही मिलेगा, एंड इसका 18 इंच का साइज है। अभी सीएट का टायर मिल रहा है इसको। सो आपको फ्यूल गेज इधर मिलेगा, एंड आपका डिगी इधर है, मतलब बूट स्पेस, बट बूट स्पेस बहुत ही कम है, आप एक बार देख लो। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग, एंड आपको एलॉय मिल रहा है, मतलब पांचों की पांचों एलॉय मिलेगा, और ये मतलब देखने से अच्छा ही लग रहा है, मतलब एक पूरा टोटल माचो लुक देता है। और इधर आपको डिफॉगर मिलेगा, रियर डिफॉगर मिलेगा, बट रियर वाइपर कुछ नहीं, ये नॉर्मल। इधर आपको एक हाई माउंट स्टॉप लाइट इधर आपको मिल रहा है। सो या एंड ये नॉर्मल जो ब्रेक लाइट होता है, इंडिकेटर एंड जो रिवर्स का लाइट वही है। इधर इधर आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है। सो या दिस इज ऑल अबाउट सेम थिंग, एंड ये जो RVM है ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है, ऑटो सिर्फ एडजस्टेबल है, एंड ये ऑटो एडजस्टेबल आपको इधर से करना पड़ेगा। इधर होगा ऑटो एडजस्टेबल के लिए स्विच, एंड ये जो कंट्रोल है ये MIT के लिए है। मैंने इंटीरियर का एक अलग से बड़ा वीडियो बनाया, उसमें मैं मतलब इसके इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो दूंगा, उसमें आप दिख लेना। सो मैं अभी थार का मतलब इंटीरियर पे आ गया हूँ, आप देख लो। इधर से आप चेंज कर सकते हो, मतलब MID का कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। वेयर सीट बेल्ट का मतलब सीट बेल्ट का वार्निंग दे रहा है। सो ये टोटल MID है। 4 AC वेंट आपको मिलेगा, ये टोटल मतलब म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो म्यूजिक को। सो देखो कॉल करने का ऑप्शन आ गया, इधर देख लो, मतलब पूरा टोटल जो है सब कुछ आ रहा है। इधर ऑफ ऑन होम म्यूजिक भी हो रहा है। सो या ये ग्लाव बॉक्स है। सो अभी हाँ, डैशबोर्ड थोड़ा सा छोटा मिलेगा आपको, बट लेकिन मोर देन सफिशियंट है, मतलब इस टाइप के गाड़ी के लिए मैं बोलूँगा एकदम ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये आपको मतलब ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC नहीं मिलेगा, बट हाँ मतलब जो है AC ठीक ठाक है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग, और मैंने इन और इधर से आप ये देखो, इधर से आप जो RVM है एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन फोल्डेबल ये नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग, थार का एक्चुअली इंटीरियर मॉडल। एंड ये है की, ये है लॉक एंड ये अनलॉक करने के लिए, एंड ये है मतलब फॉलो मी हेडलैम्प के लिए, एंड फॉलो मी हेडलैम्प विथ मतलब ये हॉर्न भी बजाता है। सो ये है, एंड ये जो है ये एक्चुअली मतलब ऑटो मिरर नहीं है, ये डे नाइट का है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग थार, ये थार का डीजल मॉडल है। सो या सो अभी मैं महिंद्रा थार के एक बार पीछे में जाता हूँ, पीछे में जाके दिखाता हूँ कितना लीक स्पेस होता है क्या नहीं। सो या चलो देख लो लीक स्पेस, मतलब मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, दो आदमी अच्छे से पीछे बैठ सकता है। लेकिन हाँ इधर कोई मतलब जो मतलब ये विंडो है, विंडो ओपन नहीं होगा, बट दो आदमी के लिए एकदम मोर देन सफिशियंट है। ये देखिए हाथ मेरा इधर तक जा रहा है, मतलब दो आदमी अच्छे से बैठ सकता है, तीन आदमी नहीं होगा, बट दो आदमी अच्छे से जा सकता है, एंड उनका लेग स्पेस भी अच्छा ही मिलेगा। अब देख लो एक है, मैंने अभी सीट एकदम मतलब इन तक कर दिया, ये ड्राइवर वाला सीट, अभी भी देखो लेग स्पेस इतना मिल रहा है मुझको, मैं हूँ 5 फीट 5 इंच का, तो मुझको इतना तक लेग स्पेस मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थिंग, महिंद्रा थार का इंटीरियर पार्ट। सो या थैंक यू, एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ।